मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में शुक्रवार से एक अग्निवीर सेना भर्ती रैली की शुरुआत हो रही है, जो 16 जून से 28 जून तक चलेगी। इसमें तिरहुत प्रमंडल के लगभग 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों के दौड़ने के लिए चक्कर मैदान में सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। इसकी जानकारी गुरुवार को सेना भर्ती कार्यालय के बिहार और झारखंड के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग ने आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से 10,000 अभ्यर्थियों को दौड़ने के लिए बुलाया गया है। इसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी समेत 7 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो ये जो अग्निवीर का रैली है, ये कल से 16 जून से शुरू है और हमने इसकी प्लानिंग 28 जून तक की हुई है। वो इसलिए भी की है क्योंकि हम थोड़ा सा अपने पास में एक गुंजाइश रखना चाहते हैं कि कहीं मौसम के कारण कोई ऐसी बात हो और हम इसको संपन्न ना कर पाए, तो इस हिसाब से हमारा रैली का प्लान है। कौन कौन से पद के लिए रैली होगी और इसमें कौन अभ्यर्थी शामिल होंगे? ये जो रैली है ये अग्निवीर कैटेगरी के लिए ही है और अग्निवीर में जो जनरल ड्यूटी होते हैं, जीडी जिसको बोलते हैं, वो इसमें शामिल हैं। और इसमें अग्निवीर में एक टेक्निकल ट्रेड में आते हैं, उस टेक्निकल ट्रेड में एसकेटी या क्लर्क्स के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए भी खुला है ये। उसके बाद टेक्निकल ट्रेड में जो कैंडिडेट बाद में सिलेक्ट होने के बाद में हमारे इंजीनियर्स, सिग्नल ऐसे आरटी में जाएंगे, तो टेक्निकल ट्रेड के लिए भी है ये। और इसके अलावा जो हमारे ट्रेड्समैन कैटेगरी हैं वो ट्रेडमैन कैटेगरी के लिए भी हैं। किन किन जिलों के सर और कितने अभ्यर्थी शामिल हैं इसमें? अभिवर्ती तकरीबन 10,000 अप्रोक्सीमेट शामिल हैं और ये इसलिए क्योंकि पहले ऑनलाइन सी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जिन बच्चों का कट ऑफ में नंबर लगा और जो जिनका ताल्लुक इस मुजफ्फरपुर के एआरओ से है, वही बच्चे इस एरिया में आ रहे हैं। जिनका ताल्लुक किसी और एआरओ से होगा तो वो उधर ही जाएंगे जब उनको वहाँ पे बुलाया जाएगा। तो आपने जो डिस्ट्रिक्ट पूछा वो यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको मुजफ्फरपुर एआरओ देखता है। उसको आप लोग अगर अपने स्टेट के हिसाब से बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं कि जो पुराना तिरहुत का जो इलाका है वो तिरहुत को ये कवर करता है और साथ में वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, इनको भी ले लेता है। सर वैसे मेरे अभ्यर्थियों को क्या सुझाव देना चाहेंगे जो दलालों से बचे, इसको लेकर क्या व्यवस्था है? दलालों के लिए व्यवस्था ये है कि हमने अपने इस बंदोबस्ती कार्रवाई में जो सिटी पुलिस एसएसपी साहब और उनके जो खुफिया एजेंसीज हैं उनको अपने इस रैली में अपने तरीके से शामिल किया हुआ है, कोऑर्डिनेट किया हुआ है। वो भी तजुर्बेदार हैं और उनको भी पता है कि ऐसे मौके पे टाउट किस तरीके से हरकत करते हैं, तो उन्होंने अपनी बंदोबस्ती कार्रवाई की हुई है। किसी समय क्या है अब अभिवर्तियों के लिए मैं बच्चों को यही गाइड करूंगा, बल्कि मेरे से ज़्यादा शायद आप उनको अपने माध्यम से समझा पाओगे कि जैसे जैसा नतीजा है रैली में, जो भी नतीजा आता है क्योंकि रैली में हर एक लेवल पे उन्होंने कुछ टेस्ट को पास करना है, तो उन्होंने वही करना चाहिए। और उसमें अगर हो गए हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं होते हैं तो जो भी प्रावधान है, जैसे कि मेडिकल के दौरान कई बार किसी चीज़ में वो अनफिट होते हैं तो उसके लिए उनको मौका दिया जाता है रिव्यू के लिए, तो उनको उस रिव्यू के ऊपर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि ये जो चीज़ उनकी मेडिकल में अगर सही है तो वो पास हो जाएंगे, नहीं होगा तो वो रह जाएंगे, लेकिन टाउट के जरिए वो अपने इस टेस्ट में क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये मैं बहुत गारंटी से बोलना चाहता हूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू।